जी बताएं जो आज अपने सबसे पहले तो मीडिया जितने भी यहाँ पे आए हुए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि हमारा आज जो एनवाईसी लेफ्ट आउट हमारे जो 571 एनवाईसी लेफ्ट आउट हैं जम्मू कश्मीर के, उसी सिलसिला में हर डिस्ट्रिक्ट में जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। आज हमारे पुंछ में भी ये प्रोटेस्ट हुआ है। हम गवर्नमेंट इंतजामिया जम्मू कश्मीर से गवर्नर से ये अपील करते हैं कि जो एनवाईसी लेफ्ट आउट 571 हैं इनको जो है वो जल्द अज जल्द री एंगेज किया जाए ताकि हमें जो है अपना हक मिल सके, इंसाफ मिल सके। हम इंसाफ लेना चाहते हैं क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी यही कहना चाहती है कि सबको रोजगार दिया जाए, क्योंकि हमें अगर 2 साल तक जो है अंगेज रखा गया, उसके बाद हमें निकाला गया, तो उसके बाद हमारे जितने भी साथी थे वो दोबारा री एंगेजमेंट हो चुके हैं। तो हम जो लेफ्ट आउट सिर्फ 6000 जो है 6000 में से 571 जो लेफ्ट आउट है, बाकी सब जो है इस वक्त अपनी अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपने अपनी जनरल की अपनी सैलरी ले रहे हैं। हम भी गवर्नमेंट इंतजामिया जम्मू कश्मीर के गवर्नर से, ये एक बहुत अच्छे जो गवर्नर हमारे जम्मू कश्मीर के, हम उनसे अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है हमारी फाइल सेक्रेटरेट में है, इसका हल निकाला जाए और हमें री एंगेज करके बायोमेट्रिक हमारी जल्द अज जल्द की जाए। शुक्रिया। सर ये जो आज प्रोटेस्ट रखा है, ये हम जो लेफ्ट आउट एनवाईसी थे 2017 बैच के, तो सर आपको मैं बताते चलूंगा 2016 तक जितने भी एनवाईसी थे एनवाईवी थे वो सब का री एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारी जो है 2019 में हमारी सॉरी बायोमेट्रिक होनी थी, जबकि हम दूर दराज एरिया से बिलोंग करते हैं, तो टाइम कम होने की वजह से हमें सिर्फ 15-20 दिन ही मिले थे। काफी बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने थे उस वक्त, तो उस वजह से हम अपना बायोमेट्रिक नहीं करवा पाए, लेकिन इस वक्त हमारी सभी फाइल्स तैयार जो कि सेक्रेटरेट में पड़ी हुई सड़ रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये पता नहीं लग रहा कि हम कितने भी कितने नौजवान इस वक्त पढ़ लिख कर एजुकेटेड हैं सब, और बिना नौकरी के सब घूम रहे हैं। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, जो हमारे 571 एनवाईसी हैं उनको री एंगेजमेंट किया जाए और जल्द अज जल्द हमें इंसाफ दिया जाए। शुक्रिया। सर हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तो हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, तो हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि हमें जल्द अज जल्द जस्टिस मिलेगा।